इस समय बड़ी खबर आ रही है वृंदा जी, एक सेकंड रोककर आपको खबर दे दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी अभी की यह खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ समय पहले भी दिल्ली एनसीआर भूकंप से दहला था और आज फिर अब से कुछ सेकंड पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि चौतरफा प्रदर्शन इस वक्त नागरिकता कानून को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस सबसे इतर एक बड़ी खबर ये आ रही है, धरती को हिला देने वाली खबर। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, इन सब शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी और जानकारी का इंतजार है, किस भूकंप का केंद्र कहां था, किस जगह था, इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इस भूकंप को और किन किन शहरों में, किन किन राज्यों में देश के महसूस किया गया है। उत्तर भारत के कुछ शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि वहां भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर में, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगहों पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। देश पहले से नागरिकता कानून पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें जो हिंसा आगजनी हो रही है, उससे दहला हुआ है और इस सब के बीच दिल्ली एनसीआर में ये प्राकृतिक आपदा की एक आहट महसूस की गई है। भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, देश की राजधानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, इन तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबरें हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा और किन किन शहरों में, कश्मीर से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि कश्मीर के अलावा जो खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कुछ हद तक, और भूकंप की तीव्रता कितनी थी, इस भूकंप का केंद्र कहां था, इस जानकारी का अभी इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके दिल्ली और एनसीआर में महसूस किए गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त अशरफ वानी, हमारे सहयोगी श्रीनगर से आ रहे हैं, उनसे और बात हम इस बारे में कर सकते हैं और जानकारी के लिए कर सकते हैं, जहां श्रीनगर में भी बताया जा रहा है और अमृतसर में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा यानी कि पूरा उत्तर भारत एक तरीके से इस भूकंप के झटके की जद में आया है। कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। श्रीनगर से जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए नक्शे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां भूकंप के ये झटके आज महसूस किए गए हैं। भूकंप का असर जो महसूस किया गया है वो उत्तर भारत के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में, अमृतसर में, खासतौर पर चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, कश्मीर के कुछ और इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। आपको याद दिला दें कि पिछला जो भूकंप दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया था, उत्तर भारत में महसूस किया गया था, उसका केंद्र हिंदू कुश में था